पेज नंबर 105। एनोटीज भाई, ये भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बहरहाल पेंशन माफ है, याद रखिएगा। एनोटी के नाम से कोई लफ्ज आ गया पेपर में तो एनोटी आर टैक्सेबल है सैलरी, एनोटी टैक्सेबल है। तो एनोटी क्या लिखना है? टैक्सेबल। एनोटी टैक्सेबल है, आर टैक्सेबल है सैलरी इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरीली, चाहे एम्प्लॉयर ने अपनी खुशी से दी हो। वॉलंटरीली क्या होता है? एम्प्लॉयर ने अपनी खुशी से दे दी, या फिर कई दफा ऐसा भी होता है एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पे दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरीली, चाहे एम्प्लॉयर ने अपनी खुशी से दी हो चाहे एम्प्लॉय के कहने पे दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल एनोटीज आर टैक्सेबल इन नॉर्मल वे, हर किस्म की एनोटी टैक्सेबल है। लेकिन याद रखिएगा पेंशन क्या है? माफ है। अच्छा, लीव इन कैशमेंट, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जिस वक्त कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहा हो और उसने छुट्टियां ना की हो, तो हुकूमत खुश होकर उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन ये बात सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। तो वो जो पैसे मिलते हैं उसको वो भी माफ होंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव, लीव इन कैश करा है, यानी छुट्टियां उसने नहीं की थी, इसके बदले में हुकूमत ने कहा कुछ पैसे ले लो, तो उसने कुछ पैसे ले लिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले की बात है ये, यानी रिटायरमेंट होने से पहले ही उसको हुकूमत पैसे दे के भेजती है, इज एग्जेम्प्ट इफ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के नाम से अगर कोई पैसे एम्प्लॉय को मिल रहे हुए, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का हमने लफ्ज चैप्टर 4 में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने यहाँ ये पढ़ा था कि कंपनी ये पैसे देगी। अब एम्प्लॉय तो लेगा, अगर एम्प्लॉय को ये पैसे मिले, यानी वर्कर प्रॉफिट फंड से कोई पैसे मिले, तो आप कह दीजिएगा पेपर में भाई ये एग्जेम्प्ट है। और अगला पॉइंट है, ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, अलाउंसेज टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, अलाउंसेज टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। एक बंदा बाहर के मुल्क में काम कर रहा है तो पाकिस्तान हुकूमत नहीं भेजा हुआ है, तो उसकी बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी, लेकिन उसका हाउस रेंट अलाउंस माफ़ होगा, उसका डियरनेस अलाउंस माफ़ होगा, उसका एजुकेशन अलाउंस माफ़ होगा, उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस माफ़ होगा, ये अलाउंसेस माफ़ होंगे, यानी इन पे इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एनी अलाउंस पेड आउटसाइड पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अ सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान, तो मोहतरम ये सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं? आउटसाइड पाकिस्तान, रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान। अलाउंस इसे कहाँ मिला है? बाहर के मुल्क में, आउटसाइड पाकिस्तान। दिया किसने है? पाकिस्तान की हुकूमत ने, टू अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कोई शहरी बाहर के मुल्क में हम भेज दें और उसे बाहर के मुल्क में नौकरी करवा के बाहर के मुल्क में ये अलाउंसेज दें, जैसे पाकिस्तान आर्मी के लोग अक्सर साल के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उसे जो अलाउंसेज मिलेंगे बाहर के मुल्क में वो सारे के सारे क्या होंगे? माफ होंगे। कुछ भी हो सकता है जो आपने बाहर के मुल्क में अपने एम्प्लॉयज भेजे हुए हैं। ओके जी, टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसके लिए एग्जांपल हम करेंगे, पेज 108 पे आ जाएं। मिस्टर सफदर गॉट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2012 एंड प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डाटा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2010 का सवाल, टैक्स ईयर 2010, जी बुक्स आपके सामने हैं, बताएं बेसिक सैलरी कितनी है 2010 में, कौन सा पेज है? 108, हाउस रेंट अलाउंस 30,000, आगे महंगाई अलाउंस, जी अच्छा, डीएनएस अलाउंस दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था, कितना था? और अगला कौन सा है? जी करवाएं टोटल, हाँ जी कितना आगे? आगे ओके,
अब जी प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन समझनी है आपने। प्रोविडेंट फंड एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटवा के जाते हैं और इस बास्केट में रखवा देते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटवा के इस बास्केट में रखवा जाता है, इधर देखें। फिर इसके बाद इस बास्केट में कुछ पैसे एम्प्लॉयर रखवाते हैं अपनी तरफ से, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक तोहफा होता है जो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, इट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस बास्केट में कुछ पैसे एम्प्लॉय रखवाता है, आगे आ जाओ ना दोनों, कुछ पैसे एम्प्लॉय रखवाता है और कुछ पैसे एम्प्लॉयर रखवाता है। और ये जो एम्प्लॉयर पैसे रखवाता है ये एम्प्लॉयर की तरफ से एक तोहफा होता है। फिर साल के एंड पे इस बास्केट में कुछ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये पैसा कहीं रखवा दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिस पे इंटरेस्ट आता है। तो हर साल, ये पहला साल है एम्प्लॉय ने पैसे डाले, एम्प्लॉयर ने पैसे डाले, इंटरेस्ट मिला। ये दूसरा साल है एम्प्लॉय ने पैसे डाले, एम्प्लॉयर ने पैसे डाले, इंटरेस्ट मिला। ये तीसरा साल है, तीसरे साल फिर एम्प्लॉय ने पैसे डाले, एम्प्लॉयर ने पैसे डाले, इंटरेस्ट मिला। और ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी चलती रहती है, हत्ता के 10, 15, 20 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ये बास्केट भरी भरी महसूस होती है। फिर इस बास्केट में से एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी जाती है सारी की सारी। तो उसमें सवाल ये अराइज होगा कि क्या करना है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, क्या करना है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का, और क्या करना है इंटरेस्ट का। तो उसके लिए मोहतरम, सवाल में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2010 का, इसको तो छोड़े ना, ये हमारे साल का डाटा नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1,26,000, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1,26,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है 40,000, और इंटरेस्ट किस रेट पे मिल रहा है, 17% पे। ओके, अब सवाल ये राइज होगा, ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय को, इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो उसमें मोहतरम सबसे पहले जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में सुन लें। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपने इग्नोर किया करना है। द रीजन इज कि ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सैलरी में ऐड नहीं होगा, इसको आपने सिंपली पेपर में इग्नोर किया करना है। वजह क्या होती है, एम्प्लॉय की तनख्वाह है 70,000, 70,000 ज़रा 12, अभी आप लोगों ने मुझे बताया 8,40,000, तो असल में 8,40,000 ये घर लेके जा रहा था, उस 8,40,000 में से ही 1,26,000 छोड़ गया। तो ये 1,26,000 उसके 8,40,000 का पार्ट है जो छोड़ के गया है। तो 8,40,000 हमने अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड पर देखे, हमने ऐड कर दिया 8,40,000। तो 8,40,000 जब ऐड कर दिया तो उसमें ये वाला 1,26,000 भी शामिल है। तो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 1,26,000, वो 1,26,000 इसी 8,40,000 में से छोड़ के गया होगा। तो 8,40,000 में 1,26,000 पड़ा है, इसलिए इसे इग्नोर करना है, वरना ये डबल टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर किया। आगे चलें जी, आगे जी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बताएं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितने है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी आमतौर पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है, 1,26,000। ये फिगर्स पर मंथ नहीं है, ऊपर वाली पर मंथ थी जी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बोले इसको हम लिखा करेंगे इनर कॉलम में, इसको इनर कॉलम में लिखा करेंगे, और ये हुआ करेगा एग्जेम्प्ट। अच्छा जी, ये कितना एग्जेम्प्ट हुआ करेगा, पेज 105 पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट एज द अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि ये पैसे किससे दिए गए हैं, सैलरी से दिए गए हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 1,50,000। इट इज एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 150,000 स्टार सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के लिए सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, इट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस। बाकी सारे अलाउंसेस इग्नोर कर दो, इट ओनली इंक्लूड्स बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को जमा करेंगे, वो उसको नाम रखेंगे सैलरी, इसका लेंगे 1/10 और कंपेयर करेंगे 1,50,000। जी लोअर ऑफ
1/10 of basic salary plus dearness allowance. कितना आ गया? 93,000. 8,40,000 + 120. जो जवाब आया उसे मल्टीप्लाई करें 1/10 से, या फिर 1,50,000, विच एवर इज लोअर. क्या रहा है? 96,000. जी अब सारे जरा ऊपर देखिएगा. बेसिक सैलरी में हमेशा डियरनेस अलाउंस जमा करना है, ना हो तो ना कीजिएगा. मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, 96 आ गया, कंपेयर करना है 1,50,000 से. व्हाट इज लोअर? अब मिला कितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इसे, यानी इसकी बास्केट में गया कितना? 126. उसमें से माफ कितना? तो टैक्सेबल. चलिए नोट. नेक्स्ट इधर आए. इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी. सैलरी वही होगी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 16%, विच एवर इज हायर. ओके अब जी एक बात का जवाब दीजिएगा, हट के बात है एक थोड़ी सी. अगर एक साहब कहते हैं बैंक में मैंने 2,00,000 रुपया रखवाया हुआ है, 12% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 24,000. और ये आपसे सवाल पूछे इफ इंटरेस्ट इज 13%, इफ इंटरेस्ट रेट इज 13%, तो इंटरेस्ट कितना होगा? अब इसके दो तरीके हैं बताने के. एक तो आसान तरीका बताने का, 2,00,000 × 13% इज इक्वल टू 26,000. एक और भी तरीका है बताने का, वो जरा आपने देखना है. वो ये तरीका है कि आप 24,000 को पकड़ें, ये पड़ा है 12% पे, हमें दे दो 13%. करें कैलकुलेटर पे, 24/12 × 13. जी वही जवाब आया. मेहरबानी, आप लोग कैलकुलेटर निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. क्या जवाब आया? 26 हो रहा. तो ये दो तरीके से इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, या तो प्रिंसिपल पे रेट लगा के, या अगर इंटरेस्ट गिवन हो तो जितने परसेंट वाला वो है उस परसेंटेज से डिवाइड करें, और जितने परसेंट वाला हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई करें. तो जवाब 26. तो क्लियर, ये दो तरीके हो सकते हैं इंटरेस्ट निकालने. एक सिंपल प्रिंसिपल पे 13% लगा दो, और दूसरा इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करो, जो गिवन परसेंटेज हो, और रिक्वायर्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो. ओके अब हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है? वो कहते हैं आपने इंटरेस्ट को कर लेना है इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट एट 16%. अच्छा जी पहले तो बता दें इंटरेस्ट है कितना? 40,000. और कितने परसेंट पे मिल रहे हैं? जी है कितना? 40,000. लेस एग्जेम्प्ट, आगे क्या लिखना है? हायर ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ
जी बोले थ्री या इंटरेस्ट चाहिए मुझे एट 16%। ये इंटरेस्ट कितने परसेंट पे पड़ा है? को हॉन्ट लाएं, ये इंटरेस्ट कितने परसेंट पे पड़ा है? 17% पे। मुझे कितने परसेंट पे चाहिए? 16% पे चाहिए। असल में ना यहाँ प्रिंसिपल पे आपको रेट लगा नहीं सकते। प्रिंसिपल पे रेट ना लगाने की वजह सुने, प्रिंसिपल पे रेट ना लगाने की वजह सुने, असल में हम प्रिंसिपल पे इसलिए रेट नहीं लगा सकते कि प्रिंसिपल ना ये पूरे साल का है, ये हर महीने असल में थोड़ा थोड़ा जमा कराते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन बन जाती है हर महीने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो। ये 1,26,000 किसी साल के आखिरी दिन जमा नहीं कराया हमने बास्केट में, हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करा रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन बन जाती है, इसलिए हम इंटरेस्ट से ही खेला करेंगे। खाली इंटरेस्ट को पकड़े, प्रिंसिपल को ना छेड़े, तो इंटरेस्ट को पकड़ के इंटरेस्ट निकाल लें। 40,000 कितने परसेंट पे पड़ा हुआ है एज पर क्वेश्चन? 17 पे। एज पर क्वेश्चन कितने परसेंट पे पड़ा हुआ है? एज पर लॉ कितने पे चाहिए? जी 37647। जी इन दोनों में से हायर बताएं। 3,20,000। अच्छा भाई अब जरा सोच के बताएं, 40,000 में से 3,20,000 माफ हो गया, यानी कि प्रिंसिपल साहब किसी बंदे को कहें अगर तुमने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली है तो भी तुम्हें 15,000 फीस माफ, और अगर तुम मेरे इलाके के निकले तो भी तुम्हें 15,000 फीस माफ। अब फीस जो है वो 20,000 है, अब वो बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन भी ली थी, सर के इलाके का भी निकला, अब 20,000 में से कितना माफ? 30,000 माफ। अब ये तो नहीं होगा कि 20,000 फीस वाले को 30,000 माफ है, 10,000 कॉलेज वाले अपनी जेब से कहें प्लीज यार पढ़ लो हमारे पास 10,000 दे के। तो इधर भी ऐसा ही होगा, 40,000 में से 40,000 में से अगर 320,000 माफ है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ऐड कर दें आगे कोई नेगेटिव फिगर, तो नेगेटिव फिगर शो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पता है कि इसका मतलब ये थे 320 तक भी होता तो माफ होता, वो तो है ही 40 सारा ही माफ होगा, तो इसलिए मोहतरम यहाँ पे आप जीरो लिखा करें। 320,000 तक भी होता तो माफ होता, हमारी तो फिगर ही कितनी है सिर्फ 40,000। उधर ही दैट इज ऑल। That is all. Total बता दें। 135,000। चलें जी अगला साल उसी तरह सॉल्व करना, इधर आए अगले साल में फिगर्स बदल गई हैं, अगला साल उसी तरह सॉल्व करना है। 2-3 मिनट लगाएंगे, कितना देखते हैं कौन पहले सॉल्व करते हैं, मैं भी कहता हूँ आप भी ट्राई करें। 2011 कैमरा उधर ही रखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जल्दी 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 भाई जल्दी। लॉ कैमरा ये कितना 18 × 12 और नीचे वाला और आगे अच्छा जी। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? 1/10 × बेसिक सैलरी प्लस जी बताएं। हाँ जी 11 बस नहीं क्या हो रहा है, छोड़ें आप लोग
अच्छा जी, दोनों में से लोअर 1 लाख। जी बाहर वाले कॉलम में कितना जाएगा? क्या हो गया, स्पीड क्यों नहीं आ रही, हद होगी, कितना जाएगा? करें अगला इंटरेस्ट। ये भाई जिनका कैलकुलेटर गुम हुआ है पड़ा हुआ इधर, किस दिन का कैलकुलेटर गुम हुआ है? अच्छा अच्छा जी, कलर बताओ कलर। नहीं ये तो ग्रे है, यही है यार, कलर सही करा दे पहले। ब्लू ब्लू है। ओके नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट। नाराज तो नहीं हो गया आपके पास आगे? नहीं नाराज तो नहीं होना आपका, ही होगा 60,000। लेस एग्जेम्प्ट हायर ऑफ। जी बोले 93 प्लस 180। जी 385। या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। ये सवाल वाला इंटरेस्ट कितने पे क्रेडिट हुआ है? 17% पे। हमें किस पे चाहिए जी बता दें? 56471। व्हाट इज हायर? 60 में से 380 माफ है, यानी कुछ माफ नहीं है। 380 तक भी होता तो माफ हो जाता, अभी तो कुछ है ही 60। जी जवाब 15। चलिए अगला साल, एक मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी। ये क्या गलती की है 30,000 वाली? क्या ये तो 10% है सर, 11,000 तो लेवल लिखने के दिया है, उसके बाद ये तो अमाउंट जो है 144 नहीं लिखा ना, यहाँ यहाँ लिखना होता है 144 इनर कॉलम में। चलें भाई बस करें, साथ वाले की हकीकत आप पे खुल गई होगी। इधर लाओ, इधर देखें, 2012 में 31 मार्च 12 को रिटायर हो गए, तो 9 महीने से मल्टीप्लाई करना था उसने, जज्बात में 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इधर साथ वाला, उसने जज्बात में 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके साथ कल से नहीं बैठना। तो 90,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 31 मार्च 12 को क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो चलें जी, बेसिक सैलरी इसे कहते हैं, मैंने इसलिए शुरू ही नहीं किया था। ओके बेसिक सैलरी बोलें जी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 9। जी कितना आ गया? अच्छा आप समझ लें, आखिरी दफा चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई मसला आया तो घंटे भर डी एन एस अलाउंस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9। The house rent allowance, जी कितना? ओके एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन
लोअर ऑफ क्या मतलब? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बोला है, डैश डाल दें। अब किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना? 1:1। इसको इनर कॉलम में लिखें, इसको इनर कॉलम में लिखें कि एम्प्लॉयर ने बास्केट में डाले कितने हैं? जी कितने डाले? इसको इनर कॉलम में लिखें। अब इसको माफ करना है, लेस एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ व्हाट? 1/10 ऑफ 8,10,000 प्लस 1,80,000। जी क्या आ गया जवाब? 99,000 या 1,00,000। आप बता दें 99 और 150 में से लोअर कौन सा है? अब 99 अगर माफ होगा तो फिर इसमें से माइनस करके बताएं टैक्सेबल कितना होगा? 2/2। चलें इंटरेस्ट निकालें। ओके बताएं जी इंटरेस्ट कितना है? ये है वो जो मिला, हमने माफ करना है हायर ऑफ 1/3 ऑफ। जी क्या जवाब आया? अच्छा 58 किस पे पड़ा है? हमें किस पे चाहिए? जी 3,30,000 और 5,4,5,8 में हायर। अगर 58 में से 3,30 माफ हो जाए तो सारा ही माफ है। ओके यहां पर एक और इशू जो आना है वो अंडरस्टैंड करें। यहां पर एक और इशू ये आना है कि अब इसे उधर ही रखो कैमरा जरा एक दो मिनट। चलो ले आओ। अब एक और इशू जो ये आना है कि इसे रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिलने हैं। अब बता दें जब ये रिटायर हो रहा होगा, इसको ये रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसकी बास्केट में जो ये घर लेके जा रहा होगा तो उसमें ये सारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पड़ा होगा जमा करके, ये सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पड़ा होगा जमा करके और ये सारा इंटरेस्ट पड़ा होगा जमा करके। तो जब ये रिटायर हो रहा होगा तो ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटल पड़ा होगा बास्केट में और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पड़ा होगा और ये इंटरेस्ट पड़ा होगा। तो ग्रैंड टोटल इसकी बास्केट में कितना पड़ा होगा जिस दिन ये रिटायर होके जा रहा है? 941,000। सुनने के लिए बैठे होते हैं कि अलर्ट करने के लिए? नहीं, सुनने के लिए। इसकी बास्केट में कितना पड़ा होगा बताएं? 941,000। अब रिटायरमेंट के टाइम पे इसको 941 मिल रहा होगा। अब सवाल ये कि ये जो रिटायरमेंट के टाइम पर 941 मिल रहा है इस पे टैक्स लगाना है या इसको माफ करना है? तो जवाब उसका ये है मोहतरम, बल्कि जवाब ही सुन लें। पेज 105 पर होल ऑफ द रिसीट इज एग्जेम्प्ट, अकुमुलेटेड बैलेंस में मिला है सारा का सारा माफ होगा। वजह इसलिए कि यार एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को साथ साथ टैक्स लगाते रहे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी इतनी लंबी कैलकुलेशन की है, 3 साल इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेशन करते रहे हैं, जब इन सारी चीजों को बार बार टैक्स लगाते रहे हैं, अब आप दोबारा रिटायरमेंट के वक्त इन 945,000 को इनकम में डालने की क्या तुक बनती है? कोई तुक बनती है? साथ वाले से पूछें,
साथ वाले को पकड़े पूछे कोई इज देयर एनी टॉक, बताएं बताएं इज देयर एनी टॉक, नो टॉक इज बनिंग, तो इसकी कोई टॉक दोबारा नहीं बनती कि 941 को इनकम में डालें। तो इसलिए बेतुकी सी बात नहीं करनी कि 941 को दोबारा इनकम में डाल दें। हाँ एक लाइन डाल दें आप आखिरी साल अकुमुलेटेड बैलेंस, इसको एग्जेम्प्ट कर दें सारे को क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है जीरो। लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को 9 मंथ्स का नहीं करना, मेरे भाई फरमा रहे हैं कि इंटरेस्ट को 9 मंथ्स का करें। मोहतरम जब उसको मिला इंटरेस्ट तो ये ऑलरेडी 9 मंथ्स पे ही पड़ा होगा क्योंकि उसे तनख्वाह वगैरह बाकी चीज़ें भी 9 मंथ्स की मिली हैं, तो इसलिए ऑलरेडी 9 मंथ्स पे है। तो जब हम इसको जो है वो डिवाइड बाय 17 ज़रब 16 करेंगे तो 9 मंथ्स का ही 16% आएगा। ओके ओवर खत्म जी, टोटल 1372 ये थी जी प्रोविडेंट फंड की कहानी स्टूडेंट्स की जबानी। अच्छा आ जाए वापस, चलो चलो अभी उधर ही रखो जरा। चलें जी पेज नंबर 105 टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें हमने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखे और इंटरेस्ट देखे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो सैलरी का में शामिल था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लोअर ऑफ करके माफ हो गया, इंटरेस्ट हायर ऑफ करके माफ हो गया, कम्युलेटेड बैलेंस पूरा माफ है। क्लियर? अच्छा जी प्रोविडेंट फंड के पैसे दो किस्म के लोगों को मिलते हैं, एक उनको जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, एक उनको जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है उनमें दो ऑप्शंस हैं कि आपने प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज करवा ली है कमिश्नर से या फिर आपने अभी तक अनरिकॉग्नाइज रखा हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा है सुबह का वो सिर्फ ये वाला पढ़ा है, प्रोविडेंट फंड हमने क्या करवाया हुआ रिकॉग्नाइज, नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले उनका क्या करना है। ओके अब मैं मूव करता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या बनेगा। अच्छा जी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या बनना था, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो देखें क्या करना था। देखते रहे देखने दे ऊपर देखने दे ऊपर। देखने दे ऊपर देखने दे ऊपर देखने दे ऊपर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ये ट्रीटमेंट था कि हर साल आपने ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कुछ करना है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का करना है ना हर साल इंटरेस्ट का कुछ करना है, बल्कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपने एक्युमुलेटेड बैलेंस का भी कुछ नहीं करना और आपका सोल्यूशन मुकम्मल हुआ। हाँ जी फुल एग्जाम व्हाटएवर इट मे बी
ओके लाइन इधर। अब ये नोट नहीं करा, मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। पहले आप आए पेज नंबर 107 पे, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट एज अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी, ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है लफ्ज़। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इट इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स का ही बड़ा होना चाहिए था और टी भी बड़ा। अच्छा इट इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो भी बड़ा 2001। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी माफ हो गया, इंटरेस्ट भी माफ हो गया और पेमेंट ऑफ अकमुलेटेड बैलेंस भी माफ हो गया, वो जो हैवी अमाउंट मिली है रिटायरमेंट के एंड पे। ये देखें अगले सफ़े पे आए, अगले सफ़े पे ना ये रिक्वायरमेंट सी है, थ्री है बल्कि, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाली रिक्वायरमेंट हमने कर ली ना, ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रोविडेंट फंड इज रिकग्नाइज। तो अब ये पेज नंबर 108 पर तीसरी रिक्वायरमेंट है, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखें जरा आके सफ़े के एंड पे सोल्यूशन क्या हुआ है। पेज नंबर 109 के बिल्कुल एंड पे आए तो वही फिगर जो व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है, बेसिक सैलरी डिफरेंस अलाउंस रेंट अलाउंस और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट और अकोमोडेटेड बैलेंस का यहाँ जिक्र ही नहीं है। क्या आप कौन सा रह गया जी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। If he is working in a private company where the provident fund is not recognized, फिर क्या होगा? फिर मोहतरम कुछ ऐसा होगा, देखिएगा कुछ ऐसा होगा 2010 में कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा कि 11 में कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऐसा अजीब सा होगा कि 12 में आप इसकी जान ले लेंगे अगर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो 12 में एम्प्लॉय की जान ले लेंगे, कैसे जान लेंगे सारे देखिएगा जरा ऊपर। आज तक का सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा आज तक का सारे सालों का इंटरेस्ट को आखिरी साल इनकम में डाल दें, तड़पता रहे टैक्स पेयर, लेट हिम तड़प। सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और सारे सालों का इंटरेस्ट जी देखें इधर, सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सारे सालों का इंटरेस्ट 158,000, सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और सारे सालों का इंटरेस्ट जी कितने है? सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सारे सालों का इंटरेस्ट टोटल 54 सारे सालों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा इंटरेस्ट ऐड करना। सारा लास्ट ईयर जान लेनी है आखिर में, इधर आओ। और एक और तरीका भी तो हो सकता है, ये देखें टोटल में से देखें और देखें टोटल में से एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दिया जाए तो भी तो हो सकता है ना। अगर टोटल में से क्या माइनस कर दिया जाए, बोलें टोटल में से एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर माइनस कर दिया जाए तो भी तो आप सेम जवाब की तरफ पहुंचेंगे। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी कर लें। टोटल में से एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी माइनस किया जा सकता है। 941,000 माइनस 391,500 क्या जवाब आया? वही जवाब आया 549,500। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है? एम्प्लॉयर प्लस ट्रस्ट। दूसरा तरीका टोटल
9 माइनस 9. डेटा पे डिपेंड करता है पेपर में क्या डेटा दिया होगा, जवाब यही रहेगा. देखें एसी चलाना यार भाई, एसी चलाना. आए सॉल्यूशन में पेज 109. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा इंटरेस्ट और बोले 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 माइनस ये भी यही जवाब आएगा. नोट नोट कर लिया बुक पे, मेहरबानी कर लें. ओके नेक्स्ट. ये पढ़ें पेज नंबर 107 पे. पेज 107 पे पढ़ें. अनरिकनाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किसने वही लिखा हुआ है. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर. हर साल इस पे टैक्स नहीं लगेगा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट पे हर साल टैक्स नहीं लगेगा. एक ही दफा एंड पे जान लो शिजादे की. होल ऑफ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेट आज तक अलॉन्ग विद या फाइनल अमाउंट रिसीव्ड कितनी माइनस होल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 3 ये दोनों तरीके हैं. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट या फिर फाइनल अमाउंट रिसीव्ड माइनस होल ऑफ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. अच्छा आप आए क्वेश्चन 3 आपने होमवर्क में करना है. इसमें एक इश्यू आएगा वो फिर मैं कल डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन 3 चलें जी. सेक्शन 14 94 एम्प्लॉई शेयर स्कीम. एम्प्लॉई शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी और एन एम्प्लॉई ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी. एम्प्लॉई शेयर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को अपना ओनर बना लेती है. एम्प्लॉय शेयर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कंपनी अपने ही नौकरों को, सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को अपने शेयर दे देती है. डेट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय शेयर स्कीम. होता तो एम्प्लॉय है, बन जाता है कंपनी का मालिक. ओके दोबारा पढ़ें. Employee share scheme means any agreement under which a company may issue shares in the company to a employee of the or an employee of an. तो हो सकता है PTCL अपने employees को अपने share दे दे. हो सकता है PTCL ने यूफोन के share खरीदे हुए हैं तो PTCL यूफोन के employees को अपने share दे दे. तो अपनी company को के employees को भी share दिए जा सकते हैं और किसी जानने वाली company के employees को भी share दिए जा सकते हैं.
अच्छा, कई दफा ऐसा होता है ये एम्प्लॉयर होता है, ये एम्प्लॉय होता है, बीच में कोई ट्रस्टी डाला जाता है। ट्रस्टी से मराते जिस पे किसी को एतमाद हो, दोनों को। मिसाल के तौर पे ईदी ईदी साहब, मिसाल के तौर पे कोई अच्छा बंदा इंजमामुल हक साहब। तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉयर पहले शेयर ट्रस्टी को देते हैं और ट्रस्टी फिर अपने एतमाद को ठेस ना पहुँचे और अगले बंदे को एतमाद दिलाता है कि मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा, ये एम्प्लॉय को देता है। तो ऐसे ये होता है कि कंपनी पे अगर एम्प्लॉय को बेतबारी हो तो कंपनी कुछ से कहता है कि तुम मुझे शेयर मत दो, पहले किसी ट्रस्टी को दो, वो ट्रस्टी के पास अमानत के तौर पे शेयर रहेंगे, फिर मैं पैसे जब पूरे कर दूंगा तो ट्रस्टी मुझे शेयर दे दे। तो ये नोट कर लें, फिर इसको देखते हैं अगला। ओके, एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। शेयर्स किसको दिए जाते हैं, ट्रस्टी को। वो आमतौर पे इन्होंने इदारे खोले होते हैं जिन पे लोग एतमाद करते हैं, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, समझ लें इदारे से इसका ताल्लुक है किसी का। एंड द ट्रस्टी मे ट्रांसफर द शेयर्स टू एन, एंड द ट्रस्टी मे ट्रांसफर द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। ओके, पेज 99 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स। मिस्टर आतिफ ने राइट परचेज किया है 5000 शेयर्स परचेज करने का। By paying rupees 2000. अच्छा, अब कॉलेज में आए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को कॉलेज वालों ने कहा कि प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है, 31 जनवरी तक आपकी क्लासें खत्म हो जानी है, फरवरी के महीने आपने घर बैठ के पढ़ने हैं। तो 15 जनवरी को कॉलेज वालों ने कहा अगले सेशन की प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जिस जिसने सर आसिफ की ऑडिट की क्लास में सीट लेनी है वो भी से बता दें, बाद में ना कहिएगा खबर ना हुई। अब आप जो है प्री रजिस्ट्रेशन ओपन होने की खबर सुनी आपने, आप गए 17 जनवरी को, 17 जनवरी को आपने जाके पे किए ₹1000, चलें जी ₹4000 आपने पे किए। और प्री रजिस्ट्रेशन में ये लिखा हुआ था कि जो बंदा 20,000 रुपये वाला बैच पढ़ना चाहता है सर आसिफ का, उसको 18,000 में बैच मिल जाएगा अगर वो अपनी क्या करवा ले, प्री रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो आपने 17 जनवरी को पे किए ₹4000। अच्छा, उसके बाद फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, मार्च में जब क्लासें शुरू हुई तो 25 मार्च को आपने आके पे कर दिए बाकी पैसे। तो 18,000 फीस थी आपकी, 20,000 फीस थी, 20,000 में 2,000 आपको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो 18,000 आपकी फीस बनी, 18 में से कितने पे कर चुके हैं, 18,000 में से 4,000 पे कर चुके हैं, बाकी कितने पे करेंगे, 14,000 पे करके पे ₹14,000 एंड बॉट सीट।
क्लास में आपको सीट मिल गई, पे रुपीज 4000 फॉर एक्वायरिंग राइट, फॉर एक्वायरिंग राइट. ये क्या बात है, पे रुपीज 4000 फॉर एक्वायरिंग राइट, ये क्या है? राइट क्या होता है? राइट हक होता है. हक आपको किसी ने मिल गया था, लेकिन आपने हक को इस्तेमाल कब किया? 25 मार्च को. हक मिला किस दिन? हक लेने के बाद आपके पास ये पावर थी कि आप एक्स्ट्रा पैसे आप देंगे और देके आप क्या एक्वायर करेंगे? सीट एक्वायर करेंगे. तो हक एक प्री रजिस्ट्रेशन होती है. हक एक कागज का टुकड़ा नहीं, टुकड़ा. हक एक कागज का टुकड़ा होता है. ये कागज का टुकड़ा आपको कब मिलता है? जब आप क्या करवाते हैं? अपनी प्री रजिस्ट्रेशन. प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है किस दिन? 15 जनवरी को. आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा किस दिन ली? ओपन हो गई थी सबके लिए 15 जनवरी को. आपने किस दिन करवाई? चलें जी नोट कर लें. ये आपने अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली. क्लास में कब बैठ सकेंगे? 17 जनवरी को. 25 मार्च को? 25 मार्च को. जब कितने पैसे दे देंगे? 14000 आप दे देंगे. प्री रजिस्ट्रेशन में ऑफर ये थी कि 20000 वाली चीज कितने में मिल रही है? 20000 वाली 18000, 20000 वाली 18000, 20000 वाली 18000. इस तरह वादे लग रही थी. आपने कहा मैं भी चलो 4000 अभी दे दो. 4000 आपने दिए तो आपको एक कागज का टुकड़ा मिला. उस कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं? राइट. इस कागज के टुकड़े को आप जनवरी में भी संभाल के रखेंगे, फरवरी में भी संभाल के रखेंगे, मार्च में भी संभाल के रखेंगे. मार्च में जाके कागज का टुकड़ा किसको पेश करेंगे? कॉलेज वालों को. मार्च में जाके कागज का टुकड़ा कॉलेज वालों को पेश करेंगे. जब कॉलेज वालों को पेश करेंगे मार्च में जाके कागज का टुकड़ा, तो वो बदले में आपको कहेंगे और पैसे दो हमें. जब आप और पैसे देंगे तो वो आपको क्लास में खुद बिठा के जाएंगे. अच्छा ओके. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन. ओके अब आए जी पेज नंबर 99. मिस्टर आतिफ परचेज द राइट, क्या मतलब? आतिफ ने क्या बाय किया है? राइट. राइट क्या होता है? कागज का टुकड़ा. प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है सिर्फ. आतिफ ने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं? नहीं. आतिफ कंपनी का मालिक बन गया है? नहीं. आतिफ ने अभी सिर्फ राइट खरीदा है, हक खरीदा है. आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग रुपीज 2000 रुपया देके. इसके सिर्फ क्या मिला है? प्री रजिस्ट्रेशन. इसको राइट मिला है टू परचेज शेयर्स. इसने खरीदे नहीं शेयर्स. ही हैज राइट टू परचेज शेयर्स या ही हैज शेयर्स? ही हैज राइट टू परचेज शेयर्स. इसको भी प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है इसने. राइट इज परचेज्ड ऑन 20 अगस्त 13, ऑन 25 जून 2015. ही एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द. ही एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द शेयर का मतलब बताएं? वो जाके उसने प्री रजिस्ट्रेशन वाला सफा जमा करवाया. ही एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द बाय पेइंग रुपीज 334 पर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट इज. और उस दिन बाजार में शेयर की कीमत क्या थी? 370. आगे नहीं पढ़ना आपने, आगे कल पढ़ेंगे ये जो मैंने हाईलाइट किया. अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहता हूं कि जी मेरा साल यकम जुलाई 13 को शुरू हो रहा है और 30 जून 14 को खत्म हो रहा है, तो मैंने 20 अगस्त 13 को क्या किया बताएं? 20 अगस्त 13 को मैंने क्या किया? राइट परचेज किए. 20 अगस्त 13 को मैंने क्या किया? 20 अगस्त यही बनेगा ना जुलाई अगस्त. 20 अगस्त 13 को मेरे पास कागज का टुकड़ा है जेब में, या 20 अगस्त 13 को मेरे पास जो है वो शेयर्स हैं, कागज का टुकड़ा है. राइट परचेज्ड, क्या खरीदे भाई? अभी कुछ नहीं होगा, अभी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके पास एक कागज का टुकड़ा है जेब में. अभी तो आपने क्या करवाई है अपनी मोहतरम? बोले 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 प्री रजिस्ट्रेशन. अभी तो ये कागज का टुकड़ा है आपकी जेब में, प्री रजिस्ट्रेशन है. क्लियर? ओके
ऑन 25 जून 2015, ऑन 25 जून 2015, ऑन 25 जून 2015, ऑन 25 जून 2015, क्या लफ्ज़ बोला आपने? ऑन 25 जून 2015 ही एक्सरसाइज द राइट, ये कागज का टुकड़ा इसने जमा करवाया कंपनी को, ही एक्सरसाइज द राइट, इसने कागज का टुकड़ा कंपनी को जमा करवाया, एंड परचेज द शेयर्स, और परचेज क्या कर लिए? शेयर्स बाय पेइंग रुपीज 334 पर शेयर, तो 334 पर शेयर इसने पे करके उस कागज के टुकड़े को क्या कर लिया? परचेज कर लिया. अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन दैट डेट इज 370 पर शेयर. चलें ठीक है, ये कैलकुलेशन कल करेंगे, अब यहाँ छोड़ें.